नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमृता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ शावर राइस की खीर, और बहुत से लोग इसे व्रत में भी खाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। आज हम आपको सिखाएंगे। शावर राइस की खीर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप यहाँ पर देखेंगे। मैंने आधी कटोरी से भी कम शावर राइस लिया है, जो कि ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, आप इसे ला सकते हैं। इसकी खीर बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत जल्दी तैयार होती है। इसमें डालने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, काजू, बादाम, कोकोनट, चिरौंजी। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है। मैंने इसमें केसर भी लिया है। केवड़ा जल मैंने आधा चम्मच लिया है। मखाना को मैंने ग्राइंड करके ले लिया है। आधी कटोरी मैंने चीनी ले लिया है। दूध मैंने बॉईल कर लिया है, इसे आधे घंटे अच्छे से बॉईल कर लिया है। एक लीटर मैंने दूध लिया है। एक लीटर दूध में आधी कटोरी से भी कम शावर राइस हम डालेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे घी में। कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है एक चम्मच। अब मैं गैस को ऑन कर दूंगी। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे, धीरे धीरे इसे भून लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भुन गया है अच्छे से, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, हल्का ये ठंडा हो जाएगा। तब तक दूध में ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स हम पहले डाल के पका लेंगे दूध में अच्छे से, उसके बाद शावर राइस डालेंगे। मखाना भी डाल देंगे, इन सबको अच्छे से पका लेंगे। चीनी भी हम डाल देंगे इसमें। इसे 15 मिनट पका लेंगे अच्छे से, इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट हो गया है, ड्राई फ्रूट्स हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम राइस को डाल देंगे। इसे डाल के हम 15 मिनट तक इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। बहुत जल्दी इसकी खीर तैयार होती है। दोस्तों, बहुत से लोग इसे व्रत में भी खाते हैं, शावर राइस की खीर बना के। इसकी खीर बहुत ही टेस्टी होती है, अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो। इसे हम 15 मिनट तक इसे लगातार चलाते रहेंगे और ये तैयार हो जाएगी। खीर हमारी अच्छे से पक गई है, आप यहाँ पे देखेंगे ये गाढ़ी भी हो गई है, बहुत जल्दी तैयार होती है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे चला देंगे। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। मैं इसमें केवड़ा जल भी डाल दूँगी और इसे डाल के मिक्स कर लूँगी। इसकी खीर बहुत ही टेस्टी होती है। खीर हमारी बनके तैयार है। बारीक कटे बादाम से मैंने इसे गार्निश कर दिया है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।